Assalamualaikum dear students, welcome to Zen TV, मैं जैन कुरैशी और आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि data types क्या होती है। डिटेल के अंदर हम देखेंगे कि data types क्या करती हैं, इनका काम क्या है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 6 का मैंने फोल्डर पहले से बना कर रखा हुआ है, इसके अंदर हम चले जाते हैं और यहां पर मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूं। ये सारा काम हम टर्मिनल के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन कमांड लाइन का आपको सिखाना मकसद है मेरा। तो कमांड लाइन हम सबसे पहले हम एक सीपीपी फाइल बना लेते हैं लेक्चर नंबर 6 के नाम से .cpp। ये मेरे पास एक सीपीपी फाइल बन गई है, इसको मैं डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकता हूं, लेकिन मैं यहां पर जी एडिट लिख के lecture6.cpp, ये मैंने lecture6.cpp में मेरी फाइल ओपन हो गई है। अब इसके अंदर हम अपना बेसिक कोड पहले लिख देते हैं C++ का। C++ का बेसिक कोड मैंने अपने जो हमारा मेन स्केलेटन है वो मैंने लिख लिया है। इसके अंदर अब मैं डेटा टाइप के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो डेटा टाइप होता क्या है? हमारे सामने बहुत सारे डेटा आते हैं जब हम अपना कोई भी प्रोग्राम लिख रहे होते हैं। उसके अंदर हमने कुछ डेटा यूजर से लेना होता है और कुछ डेटा हम लोगों ने अपने पास से अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना होता है। तो जो डेटा हमने यूजर से लेना होता है उसको उसके लिए हम वेरिएबल्स बना लेते हैं, और कुछ डेटा हमने खुद से जब एंटर करते हैं तो उसके लिए हम कांस्टेंट्स रख लेते हैं अपने। वो भी वेरिएबल्स ही होते हैं, लेकिन वेरिएबल से पीछे हम एक कीवर्ड लगा लेते हैं। मैंने आपको बताया था कीवर्ड क्या होते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, जो हमारे C++ लैंग्वेज के अंदर प्री डिफाइंड वर्ड है CONST, कॉन्स्ट के नाम से, जिसको हम किसी भी वेरिएबल के आगे पीछे वाली साइड पे लिख लेंगे। अगर किसी भी वेरिएबल से पहले अगर हम उसको लिख लेंगे कॉन्स्ट, तो वो हमारी वैल्यू कॉन्स्टेंट बन जाएगी और उसको हम थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं डेटा टाइप्स के बारे में आपको बताता हूँ। मेरे पास काफी सारे डेटा टाइप्स हैं, इंट, लॉन्ग, लॉन्ग इंट, शॉर्ट इंट। ये सारे डेटा टाइप्स पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताई थी, लेकिन अभी हम इनको डिटेल में कवर करने वाले हैं। फ्लोट, डबल, चार, स्ट्रिंग, बूलियन, जिसको हम यहाँ पर बूल लिखेंगे। अच्छी सारी डेटा टाइप्स जो हैं इनकी मुख्तलिफ मेमोरीज जाके हमारे रैम के अंदर स्टोर हो रही होती है। अगर मैं इंट वेरिएबल एक बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एज, सेमीकोलन लगा लेता हूँ, लॉन्ग इंट में लिख लेता हूँ अमाउंट, सेमीकोलन लगा लेता हूँ, शॉर्ट इंट में लिख लेता हूँ काउंट, सेमीकोलन लगा दिया, फ्लोट में लिख देता हूँ CGPA, सेमीकोलन लगा दिया, उसके बाद डबल में लिख लेता हूँ GPA, सेमीकोलन लगा दिया, कैरेक्टर में लिख लेता हूँ साइन, स्ट्रिंग में लिख लेता हूँ नेम, और बूल में लिख लेता हूँ इज प्राइम। तो ये सारे मैंने अपने बना लिए हैं वेरिएबल्स। अब इनकी जो मेमोरीज बनी है पीछे हमारी जो रैम है उसके अंदर इनकी कुछ ना कुछ मेमोरीज सेट हो गई होंगी। अब इंट, लॉन्ग इंट, शॉर्ट इंट, इनमें क्या फर्क है? फ्लोट में और डबल में क्या फर्क है? कैरेक्टर और स्ट्रिंग में क्या फर्क है? और बूल। अब ये सारी जो डेटा टाइप्स हैं हमारी, आप अपनी अगर स्टार्टिंग आउट कुछ C++ जो बुक है मैंने आप रिकमेंड की है उससे भी कंसल्ट किया करें, उसमें भी ये बातें सारी डिटेल के अंदर लिखी हुई है। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि इंट एज, अब ये जो वेरिएबल मैंने बना लिया है इसकी हमें कितनी स्टोरेज रैम के अंदर यूज हुई है, ये हमें वैसे भी पता होना चाहिए, लेकिन अगर हम अपने प्रोग्राम से पूछना चाहें तो वो भी हमें बता देगा। इंट की वैसे तो हमारे पास 4 बाइट्स स्पेस कवर होती है किसी भी प्रोग्राम के अंदर। अगर मैं इंट 4 बाइट अगर मेरा ले गया तो 1 बाइट के अंदर नेक्स्ट 8 बिट्स होते हैं हमारे पास, और 4 बाइट्स होंगे तो उसका मतलब हमारे पास वो 32 बिट्स बनेंगे, और 32 बिट्स का मतलब है कि इंट हमारे पास मेमोरी के अंदर 32 बिट्स स्पेस ले रहा होता है, और लॉन्ग इंट जो होता है वो हमारे पास ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा रैम ले रहा होता है, ज़्यादा मेमोरी ले रहा होता है।
लॉन्ग इंट का जो हमारे पास लॉन्ग इंट की जो हमारे पास स्पेस होती है वो 8 बाइट्स होती है और 8 बाइट्स यानी कि 64 बिट्स। इसी तरह शॉर्ट इंट जो होता है वो हमारे पास 2 बाइट्स ले रहा होता है, 2 बाइट्स का मतलब 16 बिट्स ले रहा होता है, और फ्लोट हमारे पास 4 बाइट्स ले रहा होता है, डबल हमारे पास 8 बाइट्स ले रहा होता है, कैरेक्टर हमारे पास 1 बाइट ले रहा होता है, रूल हमारे पास 1 बाइट। ये सारी चीजें हम अपने प्रोग्राम से भी पूछते हैं। अभी आपके सामने जितने भी मैंने ये वेरिएबल्स लिख दिए हैं इनके साथ मैंने इनकी डेटा टाइप लिख दी है। अब ये डेटा टाइप है और ये आगे इसका वेरिएबल का नेम है। इसी तरह लॉन्ग इंट एक डेटा टाइप है और अमाउंट उसका नेम है। इसी तरह मेरे पास जो स्ट्रिंग है ये डेटा टाइप है और नेम मैंने आगे इसका एक वेरिएबल लिख दिया है। अब वेरिएबल जो मैंने लिख दिया है ये सारा जो मैंने भी काम किया है जितना भी, इसको हम वेरिएबल डेफिनेशन या वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। अब इनको हम इनिशियलाइज करते हैं। अब हम इनिशियलाइज करने के दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। इंट ए जो मैंने लिखा है ये वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, इसी स्टेटमेंट इसी लाइन के अंदर अगर मैं ये कंप्लीट कर दूं एज इज इक्वल टू 36 तो मैंने साथ ही इसको इनिशियलाइज भी कर दिया। लेकिन अगर मैं सेपरेटली जाके नीचे वाली लाइन के अंदर इसको इनिशियलाइज करना चाहूँ तो भी मैं कर सकता हूँ एज इज इक्वल टू 36। अब ये वही काम मैंने जो ऊपर किया था वो मैंने नीचे भी कर दिया, तो इन दोनों काम ये दोनों काम आप कर सकते हैं। प्रोग्राम को छोटे से छोटा और एफिशिएंट बनाना चाहिए हमें। एफिशिएंट से मुराद ये नहीं कि आप बिल्कुल छोटा सा करते हैं प्रोग्राम और वो आप एक ही लाइन के अंदर सब कुछ लिखते हैं। एफिशिएंट से मुराद हम ये लेते हैं कि वो कम मेमोरी ले रहा हो, कम स्पेस ले रहा हो हमारे कंप्यूटर के अंदर, किसी भी मशीन के अंदर वो कम स्पेस ले रहा हो और वर्किंग उसकी जो है वो बहुत अच्छी हो। तो मैंने लिख दिया एज इज इक्वल टू 36, अमाउंट इज इक्वल टू 42,000, काउंट इज इक्वल टू 300, CGPA is equal to 3.6 और GPA is equal to 4.0, sign is equal to hash, name is equal to is prime, is equal to 2। अब ये सारे काम हम लोग जो मैंने जितना भी ये काम किया मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास इंटीजर्स जो है, पहले तीन डेटा टाइप्स जो मैंने पहले तीन वेरिएबल्स बनाए हैं ये सारे हमारे इंटीजर्स हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स इसके अंदर आ सकते हैं। अगर मैं इधर एक और डेटा टाइप लिख दूं अनसाइंड इंट और अनसाइंड का मतलब ये होता है कि वो उसके साथ हमारा साइन नहीं होगा। अनसाइंड का मतलब होता है कि उसके साथ हमारा साइन नहीं होगा। अगर मैं इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर कर दूं तो वो हमें पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर करेगा उसके अंदर। अनसाइंड इंट डेट इज इक्वल टू, या डेट मैं इधर डिक्लेयर कर लेता हूँ, नीचे जाकर मैं इसको इनिशियलाइज करवा लेता हूँ। ऑलराइट, ये सारा मैंने अपने जो वेरिएबल्स जितने भी मैंने बनाए थे उनको मैंने इनिशियलाइज कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये इंटीजर और फ्लोट डेसिमल जितने भी मैंने बनाए थे इनके साथ मैंने कोट्स भी लगाए, डबल कोट्स और सिंगल कोट्स। लेकिन जैसे ही मैंने कैरेक्टर का डाला है तो मैंने ये सिंगल कोट्स के अंदर लिखा है। इसी तरह मैंने जब स्ट्रिंग का लिखा है तो मैंने डबल कोट्स के अंदर वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया। तो जब भी हम कोई वैल्यू कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर स्टोर करवाते हैं किसी भी वेरिएबल जिसकी डेटा टाइप कैरेक्टर है तो उसको हम सिंगल कोट्स के अंदर सी प्लस प्लस में मेंशन करते हैं, उसको हम इनिशियलाइज करवाते हैं। और इसी तरह जब भी हमने कोई चीज स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करनी हो तो हम डबल कोटेशंस का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब भी हमने जो हमारे बूल डेटा टाइप होती है, बूलियन डेटा टाइप, उसका जो भी वेरिएबल होगा उसके अंदर हम दो तीन तरीकों से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इधर टू लिख दिया है, अगर मैं इधर वन लिखना चाहूँ तो भी मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि सी प्लस प्लस के अंदर वन का मतलब है ट्रू और हमारे पास जो
जीरो होता है उसका मतलब होता है फॉल्स। अभी आप लोग देख रहे हो ये वैसे सिंटेक्स के खिलाफ लिखा है, मैंने जो कुछ लिखा है, लेकिन ये जो आप देख रहे हो ये पिंक कलर के अंदर आ रहे हैं, और यहीं से आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि ट्रू और फॉल्स हमारे कीवर्ड्स हैं। वन भी हमारा कीवर्ड है और जीरो भी, जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे सारे कीवर्ड्स होते हैं। और इसी तरह हमारे पास इस, अब मैंने इस प्राइम की जो वैल्यू है उसको मैंने फॉल्स कर दिया। अब आगे आके मैं इनकी अब मैं इनकी स्टोरीज देखता हूँ कि ये कितनी स्पेस ले रहे हैं। मैं स्क्रीन पर प्रिंट आउट करवा देता हूँ। अभी ये मैंने सिर्फ एक जो हमारा इंट है एज की, क्योंकि डेटा टाइप इंट है सिंपल इंट, मैंने सिर्फ उसका भी आप लोगों के सामने ये कोड लिखा है। इसको सबसे पहले मैं एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ, उसके साथ हम देख लेते हैं कोई एरर्स वगैरह अगर हमारे कोड के अंदर कोई है तो हम वो चेक करें। ये देखें इधर मैं मिस्टेक कर गया। अब हम इसको रन करते हैं, ये देखें। अब मैंने जो उधर उसके अंदर लिखा था मेमोरी ऑफ इंट हमारे पास 4 bytes, ये हमें मेमोरी हमेशा bytes के अंदर देता है, तो हमने इधर लिखवा लिया कि इतने bytes हमारी मेमोरी है। तो अभी मैं इसको मजीद मॉडिफाई करता हूँ कोड को, मैंने bytes लिख दिया और backslash enter। अब मैं यही सेम लाइन नीचे प्रिंट कर लेता हूँ और यहाँ पर शॉर्ट इंट की लिख लेता हूँ वैल्यू अमाउंट, उसका वेरिएबल अमाउंट है। मैं इधर लॉन्ग लिख देता हूँ, सेव कर लिया इसको मैंने। मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ दोबारा। तो ये देखें शॉर्ट जो हमारे पास सिंपल इंट है उसकी वैल्यू है 4 bytes और जो हमारा लॉन्ग इंट है उसकी वैल्यू है 8 bytes। अब इसी तरह इसको मैं मजीद मॉडिफाई करता हूँ कोड को और ये सारी लाइन हम नीचे प्रिंट आउट कर लेते हैं शॉर्ट इंट के लिए। और इसकी स्पेस हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए 4 bytes हमारा सिंपल इंट ले रहा होता है, लॉन्ग इंट हमारा 8 bytes लेता है, शॉर्ट इंट हमारा 2 bytes लेता है। अगर हमें पता हो कि हमारे जो वैल्यू स्टोर हो रही है किसी भी इंटीजर के अंदर, इंटीजर के किसी भी वेरिएबल के अंदर हमारी जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो इतनी जगह नहीं लेगी, वो छोटी सी वैल्यू है, 2 है 3 है 4 है 300 है 500 है, तो वो हम लोग शॉर्ट इंट यूज कर सकते हैं ताकि हम अपनी ज्यादा से ज्यादा मेमोरी को बचा लें और हमारा प्रोग्राम उतना ही एफिशिएंट बने। अब मैं इसको मजीद मॉडिफाई करता हूँ बाकी वेरिएबल्स के लिए। अब मैं इधर फ्लोट के लिए ले लेता हूँ, फ्लोट का वेरिएबल जो मैंने बनाया था वो मैंने बनाया था CGPA। और साथ ही मैं डबल के लिए भी आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्लोट की भी हमारे पास 4 bytes होती है, इंट की भी 4 bytes होती है, लॉन्ग इंट की हमारे पास 8 bytes होती है और डबल हम 8 bytes के लिए यूज करते हैं। जब भी हमें पता हो कि हमारी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो उनकी वैल्यू है हमने किसी भी फ्लोट वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज करवाई है, तो हमें हमें लग रहा हो कि वो वैल्यू बहुत लंबी होने वाली है या उसके साइज बहुत ज्यादा लेने वाली मेमोरी के अंदर, तो हम डबल बना लेते हैं। इसी तरह अगर हमने हमें पता हो कि कोई छोटी वैल्यू है या सिंपल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है कोई भी, तो हम सिंपल फ्लोट यूज कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने कैरेक्टर डेटा टाइप की तरफ।
और यहाँ पर मैं unsigned int का भी लिख देता हूँ। unsigned int मेमोरी उतनी ही लेता है लेकिन यहाँ पर मैं अपनी स्ट्रिंग के लिए ले लेता हूँ आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इधर जो डबल कोटेशंस अपनी स्क्रीन पर प्रिंट करवाने थे इसके लिए मैंने अपनी क्योंकि डबल कोटेशन जब भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे होते हैं तो वो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और वो हमारा एक रिजर्व वर्ड बन जाता है, रिजर्व कीवर्ड बन जाता है, एक हमारा ऐसा सिंबल है जो हम अपने प्रोग्राम के कोड के अंदर यूज कर रहे होते हैं। तो अगर हमें वो प्रिंट करवाना होगा अपनी स्क्रीन के ऊपर तो हम उससे पहले एक बैक स्लैश लगा लेंगे, डबल कोटेशन के अंदर एक बैक स्लैश लगा के जब हम सिंगल कोड या डबल कोड लगाएंगे तो हमारा स्क्रीन पर प्रिंट आउट हो जाएगा। तो मैं इस कोड को रन कर लेता हूं। अब ये देखें, अब ये हमारा int 4 bytes दे रहा है, long int 8 bytes दे रहा है, short int 2 bytes दे रहा है, unsigned int भी हमारा 4 bytes ही दे रहा है। सिर्फ फर्क ये है unsigned int में वो नेगेटिव वैल्यूज को स्टोर नहीं करता, float हमारा 4 bytes लेगा, double भी हमारा 8 bytes लेगा, कैरेक्टर हमारा 1 byte लेगा और स्ट्रिंग हमारा 32 bytes दे रहा है सिर्फ इस नेम की वजह से। अब इसके साथ हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि ये जो हमारा सिर्फ इसके अंदर zain सेव हुआ है, क्या मैं इसके साथ छेड़छाड़ करूं और इसके साथ मैं मजीद लेटर्स सेव करवाऊं अगर अपनी मेमोरी के अंदर तो क्या ये मेमोरी को बढ़ाता है या कम करता है, तो हम देख लेते हैं। मैंने इसको सेव कर लिया और अब मैं इसको अपने कंपाइलर पर चलाता हूँ। तो ये देखें, अभी भी इसने हमें सिर्फ 32 bytes मेमोरी के स्टोरेज लिया है इसने। अब मैं इसके अंदर मजीद लेटर्स बढ़ाता हूँ, मैंने काफी सारे कैरेक्टर्स इसके अंदर डाल दिए हैं। अब मैं इसको मजीद चेक कर लेता हूँ। तो देखें, हम जितने भी कैरेक्टर्स इसके अंदर डाल रहे हैं ये हमें सिर्फ 32 bytes दे रहा है मेमोरी के। तो ये हमने पढ़ा अपनी डेटा टाइप्स के बारे में और वेरिएबल्स के बारे में। अब अगर मैं इन डेटा टाइप्स को चेंज करना चाहूँ, यानी कि मैं अगर इन वेरिएबल्स को चेंज करना चाहूँ, मैंने ये वेरिएबल्स लिख दिए थे इंट एज, एज इज इक्वल टू 36। अब मैं चाहता हूँ कि इस एज को पूरे प्रोग्राम के अंदर मैं कांस्टेंट रखूं, तो मैं क्या करूंगा, इस int से पहले मैं const लिखूंगा। तो ये कीवर्ड आ गया मेरा। अब मैं अगर इस एज को एज इज इक्वल टू 36 जो मैंने लिखा है, अब मैं इसको अगर रन करके दिखाऊं तो ये देखें, ये देखें, अब ये मुझे क्या कह रहा है कि एज इज इक्वल टू 36, लाइन नंबर 7 के अंदर मैंने लिख दिया const int age। अब वो मुझे ये कह रहा है कि आप एज को कांस्टेंट भी कर रहे हो और एज को आगे जाके आप असाइन भी कर रहे हो एक वैल्यू 36। तो इसके कहने का अब ये एरर जो हमारा आया है ये हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, ये हम ऐसे ठीक कर सकते हैं कि जब हमने इसको डिक्लेयर किया था तो उसी वक्त हम इसको इनिशियलाइज भी कर दें साथ ही। अब मैं इसको यहाँ पर अगर इनिशियलाइज करता हूँ तो थ्रू आउट द प्रोग्राम इसकी वैल्यू ना तो मैं चेंज कर पाऊंगा और हमारा अभी जो एरर आया था वो हमारा चला जाएगा। ये देखें, तो अब हमारा एरर वो जा चुका है। इस सारे हिस्से को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। मैंने पैराग्राफ कमेंट किया, ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि फॉरवर्ड स्लैश डबल स्टार और एक फॉरवर्ड स्लैश, ये जब हम लिखते हैं तो हमारा वो टोटल
एक पैराग्राफ कमेंट होता है, और इन दोनों कैरेक्टर्स के दरमियान में जब हम ये जो चार कैरेक्टर्स हैं, पहले दो और ये आखिरी दो, इनके दरमियान में हम जो कुछ लिखेंगे वो हमारा सारा कमेंट आउट हो जाएगा। तो अब इसको मैंने कॉन्सेंट कर दिया, तो हमारा आंसर, हमारा एरर जा चुके हैं। अगर मैं इसको दोबारा से age=36 को मैं दोबारा नीचे लिखूंगा और इसको मैं कोई और वैल्यू देने की अगर मैं कोशिश करूंगा age=35, इसको मैंने एक वैल्यू दी है, तो हमारे पास दोबारा से वही एरर आ जाएगा, क्योंकि हम उसको रीअसाइनमेंट कर रहे हैं। असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल, इसका मतलब यह है कि हमने एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल बनाया था जिसको हमने एक वैल्यू असाइन कर दिया ऑलरेडी, और वो थ्रू आउट द प्रोग्राम हमारी कॉन्स्टेंट ही रहेगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, और उसको चेंज करने की कोशिश में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एरर आएंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने देखा कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे पास C++ प्रोग्राम के अंदर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, अपना जो आपका क्वेश्चन है उसको आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम के ऊपर ZTV के ऊपर मुझे DM कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा और सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई कर दूंगा आपको, चीज़ें समझाना मेरा मकसद है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।